ओम शांति पुष्पस किचन में आप सबका स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी व कैरी की चटनी की रेसिपी ये रेसिपी मेरी सासू माँ के है बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं वो आज मैं ट्राई कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चलिए देखते हैं कैसे बनाएं वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए उससे जब भी कोई मैं वीडियो डालूँगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा देखिए मैं एक कढ़ाई बिठाई हूँ कढ़ाई में तीन सूखा लाल मिर्च और दो चम्मच जीरा दे दी हूँ इसको ड्राई रोस्ट करना है लो फ्लेम में जब तक कि इससे अच्छी खुशबू ना आए तब तक भून लीजिए देखिए जीरा और मिर्च भुना हो गया है अब इसमें मैं दो चम्मच सरसों का ऑयल दूंगी सरसों का ऑयल अचार में इस्तेमाल होता है देखिए अब मैं इसमें एक सूखा लाल मिर्च और एक चम्मच पचफोरन दे दूंगी दे के दस सेकेंड के लिए को पचफोरन और सूखा लाल मिर्च को पका लूँगी गैस यहाँ मैं मीडियम फ्लेम में रखूँगी यहाँ एक किलो आम है आम को अच्छे से धो के पोछ लेना है लेके इसे बड़ा बड़ा टुकड़ों में काट लेना है देखिए अब मैं आम को भी कढ़ाई में दे दूँगी दे के एक बार थोड़ा दे के मिक्स कर लूँगी क्योंकि यहाँ ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है अब मैं बाकी आम को भी दे दूँगी दे के ऐसे मिक्स कर लूँगी ये आम का अचार आप छः महीने तक रख के खा सकते हो खाली उसका ध्यान रखना है जो जब भी आप अचार निकालें चम्मच के मदद से निकालें और सूखा चम्मच से अचार को निकालिए अब मैं इसमें एक चम्मच नमक और एक चम्मच हल्दी पाउडर दे दूंगी दे फिर से मैं अच्छे से अचार को आम को मिक्स कर लूंगी ऐसे मिक्स कर लेना है मिक्स करके अब ढक के मैं पाँच मिनट पका लूँगी मीडियम फ्लेम में देखिए जब तक आम पक रहा है तब तक मैं जीरा और सूखा लाल मिर्च जो भून के रखी थी उसको मैं दरदरा कूट लूँगी मसाला अचार का मसाला दरदरा ही कूटा जाता है पूरा मही नहीं करना है देखिए इसे कूट के मसाला को मैं साइड में रख दूँगी अब इधर मैं आम को एक बार मिक्स कर लूँगी मिक्स करके ढक के और एक मिनट पका लूँगी देखिए एक मिनट हो गया है और एक बार मैं अचार को मिक्स कर लूँगी देखिए मेरे गैस ज़रा से मीडियम था उसी दो एक ठो आम जल गया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अचार खाने में टेस्ट खराब नहीं होगा देखिए अब मैं इसमें गुड़ दूँगी यहाँ एक किलो आम के लिए मैं 500 ग्राम गुड़ इस्तेमाल कर रही हूँ आप चाहे तो शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ जो गुड़ इस्तेमाल कर रही हूँ ये ऊप का गुड़ है उसी लिक्विड है देखिए आपके पास ड्राई गुड़ हो तो आप पहले लो फ्लेम में गुड़ को पाँच मिनट के लिए पका लीजिए लो फ्लेम में पकाइएगा तब गुड़ गल जाएगा उसके बाद आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो तब आपका पानी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा देखिए अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मिक्स करके काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं एक चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर पूरा ऑप्शनल है आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो जस्ट इसका अचार का कलर बहुत अच्छा लगता है दिखने में इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मैं अच्छे से मिक्स करके 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम में अचार को पका लूँगी आम पूरा गल जाएगा तब तक और आप जब भी अचार को रखें अचार को अच्छे से ठंडा कर लीजिए करके कांच के जार में रखिए और जार को अच्छे से धो के पहले धूप में सुखो लीजिए सुखोने के बाद अच्छे से पोछ लीजिए पोछ के अचार को रखिए और अचार जब भी निकाले आप चम्मच के मदद से निकालिए चम्मच पूरा सूखा होना चाहिए नहीं तो अचार खराब हो जाता है देखिए मैं अचार को अब चेक कर लूँगी आम पूरा गल गया है आम के अचार को बीच बीच में आप धूप दिखाते रहिए उससे अचार बहुत दिन तक रह जाता है ख़राब नहीं होता है अब मैं मसाला दे दूंगी, मसाला देके अच्छे से मिक्स कर लूँगी मिक्स करके गैस को फ्लेम को हाई कर लूँगी हाई फ्लेम में और तीन से चार मिनट तक पका लूँगी इसका जूस और सूख जाएगा आप लोग भी बनाइए बनाकर खाइए और आपका अनुभव पुष्पस किचन में शेयर कीजिए वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए देखिए मुंह में पानी आ रहा है ना मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद फिर से मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ